गंगा एकादशी पूरे साल में दो बार आती है, एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषाधिक्रम में आती है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में दो बार आती है, एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषाधिक्रम में आती है। एकादशी होती है ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके, घी का एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्र साथ में रखें और एक बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बुरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिवपुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बुरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव कथा, शंकर देता जरूर है। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुईगी, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर, श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिवजी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो, अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा, ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, कितनी रानियां जम के बोलो जरा, 16,108, पर 16,108 रानियां होने पर भी
भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवाकर पूछा, गुरुदेव मेरी 16108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है, जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहाँ अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, भोले ना, कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं, भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेर से। अभी तू जा, फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले, महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले, अब आया मेरे पाले में, अब आया मैं, लगे सब पाठ करने के लिए। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से, तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यही तो कोई ऊपर बोल रहा था, गुरु जी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है, आपको मालूम है गुरु जी, खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? बोलो तो, हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्ट लक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? दो लक्ष्मी, एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये दो लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई, जम के बोलो? एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी, बोलो जल्दी। महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी, और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए, तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं, आज भी सत्तू बनाती है, और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है, कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है, और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बाचे आधी तुम बाच देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और
चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों, वो कथा कल आएगी, उसको अपन कल लेंगे। पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती का विवाह सुंदर व्रत बताया और उस व्रत को माता पार्वती ने करा, और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा पार्वती के व्रत का, हो तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता दो भाग, दो भाग में विराज। आज बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही करुणा सागर, भगवान शिव जो आनंद की राशि है, मृत्यु लोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाले, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाले। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, आप लोग बोलते हो ना बद्री विशाल भगवान की, अच्छे से बोलो बद्री विशाल भगवान की। आ कौन बैठा बद्री विशाल में? अरे बोल दो, तुम तो बोलने में भी घबराने लगे कि महाराज ना जाने का बोल देगा, पर तो ठिकाने कौन बैठे वहां पर? नारायण बैठे कि नहीं बैठे? तो वो बद्री विशाल किसका था? जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वो बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री काश्रम अलकनंदा नदी के तट, और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे, तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिकाश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नाथ, कुछ भी करो पर यह बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वासा, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह, और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई, होता है पत्नी अगर जिद पे अड़ जाए तो तुम्हें तो मालूम है, आधी रात के मेडिकल खुलवा के बाम की सीसी लेके आए, वो तो बद्रिकाश्रम। लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भा गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। और देखो, अगर भाग्य में है, किस्मत में है, तो जरूर मिले।